इंदौर के सिरपुर तालाब को रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट घोषित होने के बाद तालाब और आसपास के क्षेत्र की सीरत बदल दी गई है। दरअसल इस तालाब पर अलग अलग समय पर देश के अलग अलग हिस्सों से पक्षी आते हैं। द नेचर वॉलंटियर संस्था इस तालाब को संरक्षित करने के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रही थी। रामसर साइट घोषित होने के बाद तालाब को संरक्षित करने की दिशा में तेजी आई है। तालाब पूरी तरह से जलकुंभी से भर गया था, जिसके कारण पक्षी भी नहीं आ रहे थे। नगर निगम और जिला प्रशासन ने जलकुंभी को हटाने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। तालाब के कैचमेंट एरिया पर पूरी तरह से अतिक्रमण हो गया है। इसे हटाना प्रशासन के बस में नहीं है, लेकिन तालाब से जलकुंभी हटाने के साथ ही अब प्रशासन तालाब में आने वाले पानी के चैनल को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सीमांकन करेगा। देखिए, जलकुंभी की जहाँ तक बात है, जलकुंभी तभी पानी में आती है जब पानी में सीवर मिल रहा हो। अगर पानी में सीवर नहीं मिलता है, अगर पानी पूरी तरीके से साफ रहता है, तो जलकुंभी नहीं आती है। तो इसीलिए हमको एक तरफ जलकुंभी हटानी भी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सीवर ना मिले इस हेतु भी काम करना पड़ेगा। नगर निगम के द्वारा एक 20 MLD का STP भी बनाया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद में अगर हम लोग कलेक्शन ढंग से कर लेंगे सीवर का, तो निश्चित रूप से सीवर इसमें नहीं मिलेगा तालाब में, और फिर जलकुंभी नहीं उगेगी। इसके साथ साथ जो आसपास कुछ ऐसे इंक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से पानी का रास्ता बाधित होता है, उसकी भी हम लोगों ने पहचान करी है। अगर कैचमेंट एरिया की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा घर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसी पानी की ट्रिब्यूटरी टाइप की है, पानी की जो शाखाएँ हैं जो यहाँ तक पानी लाने का काम करते हैं, कम से कम हम उन शाखाओं का सीमांकन करा के उनको किसी भी तरीके के अगर अतिक्रमण है तो उससे मुक्त कराएंगे। इस दिशा में पहल करी जाए। रामसर साइट को संरक्षित करने के लिए निगम और जिला प्रशासन अब लगातार काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।